तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो सबसे पहले मेरा ये चैनल है और नीचे आप देखोगे Realme 5 Pro के दिसंबर अपडेट को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 6 दिन पहले और उसमें 1.1 के व्यूज़ भी है। और उसमें भैया किसी ने कमेंट किया था कि ये A.11 अपडेट है सिर्फ व्यूज़ के लिए, कुछ भी मत डालो। मैंने उनको बोला था यार फुल वीडियो आप वॉच क्यों नहीं करते। मैंने वहाँ पे बताया था कि जो अपडेट है वो चाइना में रोल आउट हो रहा है और एक हफ्ते के अंदर अपडेट आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो कितना दिन हुआ, अभी 6 दिन हुआ है और अपडेट यहाँ पे आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, रॉक वार्ड जी पर आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 5 Pro के दिसंबर महीने के नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों 8.15 वाला अपडेट जो है आ चुका है और हमेशा मैं सच्ची आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोई मतलब फेक वीडियो बना के, देखो यार फेक वीडियो बना के मैं लोगों को पागल बना के मेरा फायदा क्या है, कुछ भी फायदा नहीं है ना। वो सिर्फ 1K व्यूज़ के लिए मतलब क्यों पागल बनाऊंगा मैं। तो जो बनाता हूँ यार एकदम रियल बनाता हूँ और रिसर्च करके ही बनाता हूँ ताकि यार आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो इस वजह से यहाँ पे जो वीडियो था वो सही था, मैंने आपको बताया था चाइना में होगा, उसके एक हफ्ते के अंदर अपडेट आपको मिलेगा। तो देख सकते हो अपडेट यहाँ पे आ चुका है। तो जाते अपडेट लॉक पे और सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे चेंज लॉक के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि होगा ऑब्वियसली दिसंबर महीने का 5th December 2019 की। इसके अलावा दोस्तों लॉन्चर के अंदर मल्टीटास्किंग पेज पे अगर आप हो, इस वाले पेज पे अगर आप हो तो किसी भी ब्लैंक एरिया में अगर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे अपने होम स्क्रीन के ऊपर। ये अपडेट है एडेड क्लिक द ब्लैंक एरिया जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों क्लोन ऐप्स के अंदर अभी आपको थोड़े बहुत और एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा जैसे कि ट्विटर, फ्री चार्ज, जोमैटो, स्विगी और स्नैपचैट का। तो इन एप्लीकेशन को आप अभी क्लोन कर पाओगे। साथ में दोस्तों फ्लैश ऑन कॉल वाला फीचर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप जाओगे सेटिंग में, उसके बाद एकदम नीचे सिस्टम ऐप्स पे फिर कॉल पे, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्लैश ऑन कॉल करके, उसको आप सिंपल से इनेबल कर दो। उसको इनेबल करने के बाद में अगर आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो अपने आप ही ऑन हो जाएगा। तो काफ़ी एक अच्छा फीचर है, इसको आप अपडेट करने के बाद यूज़ कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्विच टॉगल को भी ऐड कर दिया है नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर। अगर दोस्तों आप डार्क मोड को सिंगल क्लिक में इनेबल और डिसेबल करना चाहते हो तो आप अभी नोटिफिकेशन पैनल से वो कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट स्विच टॉगल। साथ में दोस्तों थीम स्टोर के अंदर अभी आपको फॉन्ट चेंजिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब जो 6.4.2 वाला थीम स्टोर है वो अभी आपको मिल जाएगा Realme 5 Pro के अंदर। लेकिन यार वो लेटेस्ट वर्जन नहीं है, अगर आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 6.5.0 Beta 1 का। तो उसको डाउनलोड करो, वो एकदम लेटेस्ट वर्जन है, उसकी जो डिज़ाइन है वो भी अलग है और काफ़ी सारे न्यू थीम्स भी है, जाके यार अप्लाई मतलब ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे कैमरा के अंदर भी काफ़ी सारे चीज़ें जैसे कि अपडेटेड नाइटस्केप एल्गोरिथम और फ्रंट कैमरा फिक्स्ड द ब्लैक स्पॉट इशू। अच्छा, तो फ्रंट कैमरे के अंदर कुछ बग्स थे नाइटस्केप मोड को यूज़ करने के बाद में, तो उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया और कुछ ब्लैक स्पॉट का भी इशू था फ्रंट कैमरे के अंदर, तो उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में दोस्तों फिक्स द इशू ऑफ क्रैशिंग विद लॉन्ग स्पिन डेस्कटॉप आइकॉन टू क्लियर स्टोरेज यूसेज। डेस्कटॉप आइकॉन के अंदर या स्टोरेज इशू को लेकर शायद से कुछ बग्स था, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप इतना पकड़ के चल लो कि जो बग्स थे ना उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और लैंडस्केप के अंदर कुछ क्रैशिंग वगैरह का भी सीन था, फ़ोन मैनेजर एप्लीकेशन को अगर आप लैंडस्केप मोड पे यूज़ करते थे तो कुछ क्रैशिंग वगैरह का इशू था, तो उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। साथ में दोस्तों फिक्स द इशू दैट इंग्लिश इज सिलेक्टेड इन द टाइम जोन इंटरफेस इन हिंदी। टाइम जोन का भी कुछ इशू था यार, तो ठीक है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप इतना पकड़ के चल लो कि जो बग्स थे Realme 5 Pro के अंदर छोटे मोटे बग्स, तो उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। साथ में कैमरा का भी जो नाइटस्केप की जो बग्स थी फ्रंट कैमरा के अंदर उसको भी फिक्स कर दिया। थीम स्टोर के अंदर अभी आपको फोन चेंजिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्लैश ऑन कॉल वाला फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे क्लोन ऐप के अंदर अभी आपको और सिर्फ 4 या 5 एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। साथ में आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा। तो बेसिकली अपडेट यही है, मुझे Realme कम्युनिटी पे अभी भी कोई पोस्ट नहीं मिला, यानी कि जो अपडेट है वो अभी तक रोल आउट नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैनुअल लिंक इसका आ चुका है, आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप इसको मैनुअली फ्लैश कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से मैनुअली फ्लैश करना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक देता हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, ट्राई कर लेना, मैनुअली फ्लैश कर पाओगे। और
रियलमी कम्युनिटी के ऊपर अभी तक कोई पोस्ट नहीं आया, जैसे ही आएगा उसका एक स्क्रीनशॉट खींच के मैं अपने कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा, रॉक ओवर जी चैनल के कम्युनिटी टैब पे, तो वहाँ पे जाके आपको ऑफिशियल पता चल जाएगा कि हाँ भाई अभी ये ऑफिशियल अपडेट रोल आउट हो रहा है। मुझे नहीं पता ऑफिशियल जो ओटी की साइज़ है वो कितना होगा, लेकिन आप 500 MB से नीचे ही होता है तो वैसा ही होने वाला है। तो अगर आपके पास बहुत सारा नेट है, बहुत सारे MB है, तो आप जाकर इस अपडेट को मैनुअली कर सकते हो, क्योंकि जो अपडेट है ना वो मतलब अपने साथ में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट यहाँ पे लेके आता है, तो कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतने दोस्तों इस वीडियो में, वैसे फेक वीडियो बना के फ़ायदा नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, तो जब भी कमिंग मतलब अपडेट्स कमिंग की वीडियो बनाऊंगा ना, तो समझ जाना कि हाँ कुछ तो आएगा, ठीक है, फेक वीडियो नहीं बनाता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।